वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग एंड कल के लिए बेस्ट 3 स्टॉक्स है अपने पास जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक है अपने पास बायोकॉन एंड बायोकॉन को देखेंगे तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट देने वाला है। यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस लेवल है जिस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर ये नहीं जा पा रहा, जब भी रेसिस्टेंस लेवल पे पहुँचता था वहाँ से नीचे गिर जाता था। अब एंड मोमेंट पे देखेंगे जो कि यानी कि जो लास्ट फ्राइडे था उस दिन यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, ब्रेकआउट नहीं आया, यहाँ से ये नीचे गिरा। अभी जो प्रीवियस हाई है इस हाई को जैसे बायोकॉन क्रॉस करेगा एक बुलिश रैली देखने को मिलेगा, एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे रिटेस्ट और जो कंफर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस हाई मार्केट तोड़ा है। ठीक है, तो प्रीवियस हाई के ऊपर जाते ही हम लोग को एंट्री लेना है, वेट नहीं करना क्योंकि मार्केट बुलिश है। अगर निफ्टी अगर पॉजिटिव रहा तो इसमें आराम से एंट्री हम लोग को मिल जाएगा, बहुत बार क्या होता है वेट करते करते हाथ से निकल जाता है। वो अलग सिचुएशन था, ये अलग सिचुएशन है। यहाँ पे पहले मार्केट इसको तोड़ चुका है और इस टाइम निफ्टी बुलिश है। निफ्टी अगर पॉजिटिव हुआ तो, और ये तो आईटी सेक्टर है तो ये खास करके बुलिश होगा क्योंकि इंफोसिस, टीसीएस एंड विप्रो आईटी सेक्टर्स काफ़ी अच्छा, कल फ्राइडे को लास्ट जो फ्राइडे था अच्छा रैली देखने को मिला तो वो भी बुलिश हो चुका है। इवन यहाँ पे हम शेयर करना चाहते हैं जैसे इंफोसिस, इन्फी को देखेंगे तो आईटी सेक्टर है ना, ये कितना अच्छा रैली देखने को मिला यहाँ पे। इवन वन डे के टाइम फिर मैं वन डे पे 15 मिनट पे ऐसे होता ना 15 मिनट पे देख लीजिए इसका रेसिस्टेंस लेवल जो था, रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आया था, प्रीवियस हाई को मार्केट तोड़ के रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। इवन वन डे के टाइम फ्रेम में अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे एकदम से बुलिश कैंडल देखने को हम लोग को मिल जा रहा है। ठीक है, इन्फोसिस के बाद अपने पास है विप्रो, विप्रो को भी देख लेते हैं आईटी सेक्टर में विप्रो क्या कर रहा है। तो विप्रो भी एकदम से बुलिश कैंडल बनाया है, इवन यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल में देखेंगे तो ये भी एक अच्छा रैली दे चुका है जो कि ये ट्रेड प्रीमियम ग्रुप का है तो भी एक्टिव है। इवन टीसीएस को देखेंगे तो टीसीएस भी बुलिश रैली दे रहा है, अच्छा खासा बुलिश रैली देखने को मिल गया। तो बायोकॉन भी आईटी सेक्टर है, बायोकॉन भी ब्रेकआउट देने वाला है। इवन केपीटेक को भी देख लेते हैं आईटी सेक्टर में, केपीटेक ये रहा ₹2.50% ये भी अप है, ये भी देखेंगे तो ये भी ब्रेकआउट ही दे रहा है। इवन ये बड़े टाइम फ्रेम में इसको हम लोग 60 मिनट में देखते हैं एक बार, तो 60 मिनट में इसका भी ब्रेकआउट आ रहा है, यानी कि अगर देखेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है केपीटेक। तो ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट देने के बाद रेंज भी क्रिएट कर रहा है। इवन जब ये प्रीवियस हाई जो है इस हाई के ऊपर अगर केपीटेक जाता है तो यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम देखने को अच्छा मिल जाएगा। आज हम थोड़ा टॉपिक के बाहर जा रहे हैं, थोड़ा नॉलेज के लिए ये सब चीज़ ज़्यादा जरूरी है क्योंकि टाइम है अपने पास, नॉर्मली दूसरे दिन हमको टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ से कुछ इस तरीका से अपसाइड रैली देखने को मिल जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर रेसिस्टेंस लेवल इसका ब्रेकआउट हो जाए, यानी कि ब्रेक हो जाए रेसिस्टेंस लेवल के पास में, ये लगभग ये अगर इसके ऊपर चल जाता है 580 के ऊपर तो नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस 559 का स्टॉप लॉस लगा के आराम से हम लोग बुलिश रैली का मजा ले सकते हैं। अप्रॉक्स कम से कम 700 के ऊपर ये चला जाएगा अगर ब्रेकआउट आता है तो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ऐसे जगह पे ये मिल भी रहा है। अब आते हैं डेली वॉच लिस्ट पे अपना, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कैसा लग रहा है वीडियो क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं आप लोग कमेंट नहीं कर रहे तो हम भी थोड़ा एनर्जी लेस हो गए, मीन्स एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो कमेंट जरूरी है एनर्जी के लिए। तो बायोकॉन में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आने वाला है, हम लोग वेट करेंगे कि बायोकॉन 304 के ऊपर जाए तो 304.20 पैसा के ऊपर जाएगा तो बाई कर लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 298.60 पैसा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 318.75 पैसा एंड सेकंड टारगेट रहेगा 334.75 पैसा। सेकंड नंबर स्टॉक है अपने पास डाबर एंड डाबर को देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को ये फेस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के लिए नीचे नहीं जा पा रहा और इसका ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे नहीं जा पा रहा। इवन यहाँ पे अपसाइड में जो रेसिस्टेंस है रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट भी मिला और रिटेस्ट भी कंप्लीट हुआ, यानी कि ब्रेकआउट आया, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेसिस्टेंस बन जाता है, रेसिस्टेंस बन गया प्रीवियस हाई के ऊपर जाने का हम लोग इंतजार करेंगे, यानी कि 575.95 पैसा के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग बाई कर लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 569.80 पैसा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 585.65 पैसा एंड सेकंड टारगेट रहेगा 601.90 पैसा। थर्ड नंबर स्टॉक है अपने पास भारत फॉग एंड भारत फॉग को देखेंगे तो एक रेसिस्टेंस लेवल है जिस रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट भी कंप्लीट हो गया, प्रीवियस हाई ब्रेक होने का वेट करना है बस,
तो हम लोग वेट करेंगे कि भारत फॉक्स 792 के ऊपर जाए तो बाई करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 778.70 पैसा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट नहीं है, डायरेक्ट फाइनल टारगेट है 838.95 पैसा का फाइनल टारगेट है, तो यहाँ तक देखने को मिलेगा। तो ये तीन स्टॉक है जिसमें हम लोग कल फोकस करेंगे, अगर ब्रेकआउट आता है तो एंट्री ले लेंगे। अब निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। निफ्टी ठीक अपना एक रेसिस्टेंस लेवल के पास में पहुँचा एंड ठीक रेसिस्टेंस लेवल से क्या हुआ, रिजेक्शन देखने को मिला। इवन काफ़ी दिनों से हम वीडियो में भी बता रहे थे कि निफ्टी का जो टारगेट रहेगा, ये जो रेसिस्टेंस लेवल है अपना, रेसिस्टेंस लेवल का पास जाकर टारगेट अचीव हुआ। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी यहाँ से बार बार इस तरीके से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। इवन कुछ इस तरीके से भी हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं, लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं, थोड़ा क्लियर व्यू मिलेगा। कुछ इस तरीके से निफ्टी रेस्पेक्ट देते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा होने वाला है। अब रिसेंट यहाँ से एक ट्रेड लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और एक ट्रेड लाइन हम लोगों को मिल रहा है कहाँ, यहाँ से यहाँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल अपने पास तीन ट्रेड लाइन बना। रिसेंट ट्रेड लाइन ये है, ठीक है। अब ये ट्रेड लाइन के नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलके, अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन मिला, रीटेस्ट कंप्लीट हुआ, प्रीवियस लो को तोड़ दिया, तो फिर मार्केट यहाँ आके बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अभी मार्केट का जो करंट स्ट्रक्चर है, मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज में फंसेगा, यानी कि धीरे धीरे ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे होगा। स्ट्रॉन्ग जो रैली देखने को मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्या होगा, मार्केट धीरे धीरे अपना मूवमेंट में बना रहेगा, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे या नीचे आएगा, कोई लार्ज सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को। सेलिंग प्रेशर कब देखने को मिलेगा, जब स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाए। तो नीचे सपोर्ट है तो उतना ज़्यादा अपने को मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा डाउन साइड में। और एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कब मिलेगा, अगर ये इस तरीके से रेंज बनाने के बाद यहाँ पे वापस आके रेंज क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं मार्केट इस जगह पे फंसता है, ठीक है। एक बड़े से रेंज छोटा होता हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर इतना बड़ा रेंज बन जाए, यानी कि वेडनेसडे थर्सडे एक्सपायरी तक मार्केट इस तरीके से टाइम खा सकता है। अब ये इतना बड़ा रेंज जो बन रहा है, इसका एक एडवांटेज क्या है कि निफ्टी वन डे के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दे रहा है। तो वन डे के टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी का ब्रेकआउट आता है कुछ इस तरीका से, तो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वन डे के टाइम फ्रेम में, इतना बड़ा टाइम फ्रेम में, तो इतना आसानी से तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, टाइम तो लगेगा। तो जिसके वजह से अगर यहाँ पे उस तरीका से ब्रेकआउट आता है रेंज क्रिएट होने के बाद, विदाउट रेंज क्रिएट अगर ब्रेकआउट आता है तो उतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये इस तरीका से रेंज क्रिएट करके यहाँ पे आके अगर ये ब्रेकआउट दे, तो एक बार रिटेस्ट करके काफ़ी अच्छा खासा रैली मिलेगा, यानी कि मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट का मौका यहाँ पे बन सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो निफ्टी का काफ़ी बड़ा टारगेट है, प्रीवियस जो रेसिस्टेंस है वहाँ तक तो टारगेट है ही, फिर उसके बाद ट्रेंड बेस्ड वेव एक्सटेंशन यूज़ करके टारगेट का पता लगा सकते हैं। तो ओवरऑल अभी कुछ डिसीजन नहीं लेना है, मार्केट जैसे चलेगा उसके हिसाब से चलना है, कोई लॉन्ग अभी डिसीजन नहीं ले सकते हम लोग। लेकिन अगर वन डे के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आ रहा है तो मार्केट यहाँ से एकदम से बुलिश हो जाएगा। ओवरऑल अभी मार्केट का स्ट्रक्चर मार्केट पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग करंट सिचुएशन को फॉलो करेंगे। इवन बैंक निफ्टी में लास्ट फ्राइडे को हम लोग ट्रेड लगाए थे यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ये ट्रेड किस बेसिस पे था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, गैप डाउन मतलब गैप अप ओपन हुआ और गैप को फिल करने इसको आना ही था। तो सिंपल सा मार्केट का ये जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, यानी कि जो फर्स्ट हाई और लो है, इसके बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट कंस्टेंट रेसिस्टेंस को फेस किया है ना, यहाँ पे मार्केट कंस्टेंट रेसिस्टेंस को फेस किया। इवन मार्केट का ये जो रेसिस्टेंस है, मार्केट जब नीचे गिरा तो वापस लास्ट मोमेंट पे इसको रेस्पेक्ट दिया और उसके बाद जो सपोर्ट था उसको तोड़ दिया। जैसे टूटा मार्केट रेड कैंडल बनाया बड़ा सा, फिर ये जो नीचे सपोर्ट है, ये जो फर्स्ट लो था, सपोर्ट का ऐसा काम किया, ग्रीन कैंडल बना, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरा तो ये जो गैप है इस गैप को फिल कर दिया, कंटिन्यू हो गया डाउन साइड का रैली। अब अप साइड के लिए अगर देखा जाए तो प्रीवियस ये जो रेसिस्टेंस लेवल है यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये रेसिस्टेंस लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है,
अगर बैंक निफ्टी वापस एक बार नीचे गिर के डबल बॉटम क्रिएट करके तो यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा। डबल बॉटम किसको बोलेंगे, ये जो लो है ठीक इसी लो पे मार्केट गिर के वापस से अगर पुल बैक आता है फिर रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर भाग जाता है, तो फर्स्ट ये जो हाई है ये हाई अपना फर्स्ट टारगेट बनेगा, यानी कि 40,689। तो ये अपना फर्स्ट टारगेट है और मार्केट अगर इसको ब्रेक किया तो फिर उसके बाद अनस्टॉपेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो प्रीवियस जो हाई है इसको कोई रेसिस्टेंस नहीं लग रहा, मार्केट कंस्टेंट ऊपर जा रहा था, 41,260 तक का इसका रैली रहेगा, इसी तरीके से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाएगा। इवन बैंक निफ्टी को देखें तो कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बुलिश है। इवन मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे बैंक निफ्टी को तो एकदम से ग्रीन कैंडल बना रहा है, कंस्टेंट ऊपर जा रहा है। इवन निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी का भी सेम वही कंडीशन है मंथली टाइम फ्रेम में, ये भी एकदम से बुलिश है। तो ओवरऑल दोनों ही स्ट्रक्चर बुलिश है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा भी अगर हेल्प मिला तो थोड़ा सा प्यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। एंड में यही बोलेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना, ओवर ट्रेडिंग स्किप करना, ओवर ट्रेडिंग करने से ही ज़्यादा नुकसान होता है। इवन अगर हम लोग ओवर ट्रेडिंग स्किप करेंगे तो हम लोग का जो पैसा है और जो इमोशंस है वो क्या रहेगा, एकदम से सैड रहेगा, क्योंकि मार्केट एकदम से सिंपल है, या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या टारगेट हिट हो जाएगा, तो आपका क्वांटिटी का लिमिट में रहा, तो स्टॉप लॉस हिट होने से आपको पता है कि आपको कितना का लॉस होगा, तो आपको क्या है कि वो जो इमोशंस है वो आपके अंदर नहीं आएगा। बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, अच्छे से ट्रेड लीजिए।